राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल विलेज कुकिंग BHS में। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का चार। एक नए तरीके से बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मिर्च का चार के लिए हमने मिर्च को धो के सुखा लिया है, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। हमने इस प्रकार के गहरे हरे वाले मिर्च लिए हैं। ये मिर्च तीखे होते हैं और अचार के लिए अच्छे होते हैं। बाजार में इस प्रकार से एक लाइट ग्रीन में भी आता है, ये जो है तीखा कम होता है। तो आप इस मिर्च को ना लें तो ये अच्छा होगा। अगर आप कम तीखा खाते हैं तब इस मिर्च के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको धो के सुखा लिया है। अब हम इसके डंठल को निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है मिर्च में सबसे पहले यही सड़ता है। तो मिर्च के लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इस डंठल को निकाल लेंगे एक एक करके। मिर्च को हमको इस प्रकार से बीच में से दो टुकड़े करने हैं। आप चाहें तो कैंची के सहारे भी काट सकते हैं, या फिर चाकू से काट रहे हैं तो आप हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमें दो दो टुकड़े करने हैं। हम सभी मिर्च को ऐसे कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। बीज में से बीज नहीं निकालनी है, ऐसे दो टुकड़े करने हैं बस। दोस्तों आप इस प्रकार कैंची से भी काट सकते हैं। कैंची से काटने से आपके हाथों में मिर्च कम लगेगा। कैंची से काटने में आसानी भी होता है बजाय चाकू के। दोस्तों मिर्च हमारे कट गए हैं, अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आप ही देख सकते हैं, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, और कैंची नहीं है आपके पास तो। दो चम्मच डालेंगे हम सौंफ, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मेथी, आधा चम्मच ये छोटा लाई काला वाला, आधा चम्मच ये बड़ा लाई। सबसे पहले इनको हल्का रोस्ट कर लेंगे। दो मिनट हमने हल्का से रोस्ट कर लिया, गैस को बंद करके थोड़ा सा चला लेंगे इसे। मसाला दोस्तों हमने दरदरा रखा है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मोटा मोटा रखना है। दोस्तों ये हमने 100 ग्राम तेल लिया था, तेल को गर्म करके हमने ठंडा कर लिया। अब हम इसमें अचार को मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हम हींग, आधा चम्मच आएगा हल्दी आपका। दोस्तों बाजार जैसे कलर के लिए हम डाल रहे हैं एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये तीखा नहीं होता है। डेढ़ चम्मच डालेंगे हम नमक, नमक से जो है अचार की लाइफ भी बढ़ती है। दोस्तों अब हम अपना मिर्च मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो एक चम्मच डालेंगे हम कलौंजी, जो कि अचार की जान। साथ में डालेंगे हम अपना मसाला जो अभी हमने पेस्ट बनाया इसका। अचार के लाइफ को बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें विनेगर, चाहे तो विनेगर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हम इसमें चार चम्मच विनेगर डालेंगे। अब दोस्तों मिक्स कर लेंगे अचार को हम। दोस्तों मिर्च का जार हमारा रेडी है, अब इसे हम एक जार में भर लेंगे। अभी ये खाने के लिए तैयार है। दोस्तों अचार हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको तीन चार दिन धूप दिखा के हम इसे डब्बे में बंद करके रख लेंगे। आप चाहे तो अभी भी इसे खा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम।